बैक टू माय न्यू व्लॉग, आप सबका स्वागत है। मैं स्ट्रक व्लॉग में, सो गाइस कैसे हो सारे के सारे, आई होप सारे डीजी होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग का स्टार्ट कर चुका है तुम्हारा भाई, बिना नहाए तो आए, चार दिन से व्लॉगिंग हो रहा है, कोई परवाह नहीं, समझ रहे हो। तो गाइस थोड़ा सा मैनेज करना, चार दिन से नहीं नहा रहा हूँ। कोई बंदा कॉमेंट करके बताए, उससे पहले मैं ही बता देता हूँ भाई, चार दिन से तुम्हारा भाई नहीं नहाया भाई। मेटर पानी नहीं मिल रहा, बारिश रोज गिर रहा है, समझ रहे हो, मतलब ठंडी इतना ज्यादा लग रहा है, तबीयत तबीयत खराब होने का डर रहता है, तो नहीं आते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा ना मौसम सही है, एक सेकंड मैं दिखा दूं, आज एक नंबर मौसम है। तो आज थोड़ा सा चलते हैं लोड करने। अभी एक चीज़ और बता दूं कि हम लोगों को ना मक्का लोडी मिल चुका है और हम लोग निकले हैं मक्का लोड करने के लिए, ठीक है। अपने को ना कोंडा गाँव के अंदर से थोड़ा सा 5-6 किलोमीटर अंदर से अपने को मक्का लोड करना है। एक दादा अपने साथ बैठे हैं जो कि लेके जा रहे हैं, देखो ये सियान है जो अपने को लेके जा रहे हैं जगह में कहाँ से मक्का लोड करना है। एक्चुअली ना अपन जो सेठ के यहाँ से मक्का लोड कर रहे हैं ना, वो सेठ के यहाँ ये ना अंकल काम करते हैं, तो सेठ ये अंकल को अपने साथ भेजे कि हम लोग रास्ता वास्ता ना भटक जाए और सही जगह में लेके जाए और लोडिंग वोडिंग करा के लेके आए, इसलिए दादा अपने साथ है। तो दादा कौन से गांव में हम लोग जा रहे हैं? गिरोला। तो गाइस कोंडा गांव से अंदर एक गांव है गिरोला जा रहे हैं, मक्का ही लोडिंग है ना दादा? तो मक्का लोडिंग है, तो चलते हैं बाकी पॉइंट पे और चल के मिलते हैं। बाकी ब्लॉग में बने रहो, ब्लॉग को देखते रहो और वहाँ चलेंगे लोडिंग वोडिंग में लगा देंगे गाड़ी को। अबुलेश खाना वगैरह बनाएगा, तब तक मैं नहा के आ जाऊंगा, खाना बन जाएगा तो अबुलेश नहा के आ जाएगा, उसके बाद खाना वाना खा लेंगे और समय के साथ लोड भी हो जाएगा। तो गाइस देखते हैं इस बार का माल अपने को कौन सा जगह का मिलने वाला है, और क्या माल तो पता हुआ है मक्का मिलने वाला है, बट जगह का नाम पता नहीं कि कौन सा जगह का माल मिलने वाला है। तो चलते हैं लोड वोड करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा जगह का माल है, उसके बाद आप लोग को भी बताएंगे। बाकी आप लोग ब्लॉग में बने रहो, ब्लॉग को देखते रहो, छोड़ के कहीं जाना मत, तुम्हारे भाई का चैनल है। बाकी ये चेक करो गांव कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है भाई, गांव मतलब गांव गांव ही होता है भाई। सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, 8:30 के समथिंग टाइम हो रहा है और देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सारे लोग अपने अपने गांव से निकल के कोंडा गांव सिटी जा रहे हैं काम करने के लिए, जितना बाइक और साइकिल से निकल रहे हैं ना, ये सारे भाई कोंडा गांव सिटी जा रहे हैं काम करने के लिए। फिर ये रात के टाइम पे 5 बजे लौटते हैं, 6 बजे कोई 7 बजे, किसी को 10-11 भी बज जाता है लौटने में, काम के हिसाब से अपने लौटते हैं काम खत्म करके। सो ठीक है, हम लोग चल के मिलते हैं और दिखाते हैं कौन सा जगह में लोडिंग करने आए हैं और कितना माल। गाइस अभी तुम्हारा भाई आ चुका है गांव में मक्का लेने के लिए। देखो हमने बोला ये वाले घर से मक्का लेने और अपनी गाड़ी यहाँ पे लगा दी है रोड में, छोटी वाली गाड़ी भी अपनी है साथ में, जो अपना सेठ का माल भरने आए हैं उसी सेठ की गाड़ी है। तो ना ठीक है गाइस अभी चलते हैं अंदर में, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ना मक्का कहाँ से लाए थे। अपने लेबर भी लोग सारे लोग गए हैं देखने के लिए। देखो गाँव गाँव से ना अपन ट्रक वाले ऐसे ही मक्का उठाते हैं भाई। देखो कुछ खास बड़ा गाँव नहीं है, छोटा मोटा गाँव है, लेकिन ठीक है काफ़ी बढ़िया है। और दादा कहा यही वाला माल है। तो गाइस देखो यही घर से तुम्हारा भाई मक्का लेने आए, सारे भैया लोग अभी कांटा कर करके यहाँ से लोड करेंगे, फिर एक दो जगह से और उठाना रहेगा। गांव में ऐसी गांव वाले ना बॉई वही करके कटिंग वटिंग करके ऐसी स्टोर करके रखते हैं, तो भाई तुम्हारा भाई ट्रक वाले आके लेके जाते हैं ऐसी। तो देखो दादा लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, ये कैमरा है समझ रहे हो, तुम्हारा भाई वीडियो बनाता है यूट्यूब में, व्लॉगिंग करता है। आप लोग सब्सक्राइब करना फोन से, लोडिंग करने के बाद नाश्ता करने जब जाएंगे ना तब करना। तो भाई जब भैया लोग ना यहाँ से हटा रहे हैं, इसको देख रहे हैं कि भाई कितना क्वांटिटी माल है यहाँ पे, उसके बाद मैं ना अपना छोटा वाला कांटा लेके आए हैं जिसे ना 1-1.5 क्विंटल तक का वजन हो जाता है, उसका जितना भी हो जाता है, तो ये 50-50 किलो का बोरी करना। तो छोटा वाला कांटा से कांटा कर करके इसमें लोड करेंगे और कहीं देखेंगे गाड़ी लगाने का बढ़िया जगह, फिर वो ट्रक को वहाँ पर ले जाके लगा देंगे जहाँ पर ना अच्छा जगह होगा कि वहाँ से गाड़ी आर पार हो जाए, उसके बाद मैं इसमें लोड कर करके ले जाके इससे वहाँ उसमें डालेंगे। तो ऐसे कर करके भाई इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, शाम तक का मेरे गाड़ी में जितना 31 टन चाहिए 31 टन पूरे गांव गांव से जाके खरीदेंगे, समझ रहे हो। तो देख रहे हो गाइस अभी तुम्हारा भाई गांव में आया ना, तो नए नए पुराने पुराने चीज़ों को ना एक्सप्लोर कर रहा है, समझ रहे हो, जो ना लोग नहीं जानते हैं लेकिन तुम्हारा भाई जानता है, क्योंकि तुम्हारा भाई भी गाँव में रहा है। ये चीज़ देखो काफ़ी सारे लोग अपने सिटी में नहीं जानते होंगे, लेकिन तुम्हारा भाई जानता है, तुम्हारा भाई भी गाँव से आया, एक टाइम में तुम्हारा भाई भी गाँव में रहता था। तो ये चीज़ अगर कोई जानता तो भाई कॉमेंट करके बताओ, छोड़ो क्या ही कॉमेंट करोगे, मैं बताता हूँ ये चीज़ क्या होता है। ये चीज़ वो है जो गांव वाले ना गांव में ना क्या करते हैं ना, गेहूं धान वगैरह जो भी ना अपना कटाई करते हैं फसल में, तो फसल में कचरा आ जाता ना, तो इसको घुमाते हैं। देखो गांव वाले ना पहले का पुरानी इतनी तगड़ा टेक्नोलॉजी थी, मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं कुछ नहीं, ये उसका हैंडल है यहाँ से घुमाना है, समझ लो। इसमें 4 पंखी रहती है, बट पता नहीं दो ही है इसमें, अच्छा इसमें 2 का ना स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ना 2 और लगा लेते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हवा करता है, जितना जोर से चलाओगे ना उतना स्पीड से हवा करता है, और जो भी ना अपना फसल रहता है, चाहे वो गेहूँ हो गया, चाहे वो मक्का हो गया, चाहे वो धान हो गया, ये सब का ना कचरा ना उड़ जाता है और ना धान ना नीचे गिर जाता है, लेकिन ना इसको ना उसी हिसाब से चलाना पड़ता है भाई, कि ना उसका हवा ना सिर्फ कचरे को उड़ा पाए, समझ रहे हो ना, नहीं तो फसल को भी उड़ा देता है इतना ज़्यादा हवा। एक सेकंड मैं ना अच्छे से दिखा रहा हूँ, ये चेक करो
बट ना इससे बड़ी साइज की भी आती है पता है, लेकिन ना ये काफ़ी ज़्यादा छोटी साइज़ की है, तो अपने अपने हिसाब से रखते हैं, जिसको ज़्यादा काम रहता है वो बड़ी साइज़ वाली रखती है। और ना इसको जब भी चलाना है ना तो दो लोग चलाते हैं, कभी अकेले चलाना ना रहता है ना तो स्लो चलाना है, और यहाँ पे ना पैर रख के चलाना रहता है, ताकि ना ये चलता है ना तो अनबैलेंस ना हो पूरा। सो देख रहे हो गाँव का और भी काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे जो जो दिखते दिखेगा भाई, गाँव में आए हैं, कुछ भी गाँव का अच्छा चीज़ दिखेगा पुराना, जो कि सिटी वाले नहीं जानते होंगे वो चीज़ को अपन एक्सप्लोर करेंगे, समझ रहे हो। बाकी ब्लॉग में बने रहो, देखते रहो, ये चीज़ कमेंट करके बताना गाइस कैसा लगा, और ये सिटी वाले लोग जानते थे क्या इसको। सामने से एक बार दिखाऊं क्या, सामने से ये देखो अब सही दिख रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस बैरिंग लगा हुआ है 2-4 टन, समझ रहे हो। एक हैंडल है जो ना हैंडल के साथ में पंखी सीधा कनेक्ट है यहाँ से बैरिंग के थ्रू आके, इसको जितना स्पीड घुमाओगे उतना स्पीड घूमेगा ये। सो ठीक है गाइस, और भी कुछ देखेंगे तो उसको भी दिखाएंगे, ये देखो अपना ना कहानी। सो गाइस अभी अपने ना माल का उधर कांटा वांटा हो रहा है, एक सेकंड दिखा रहा हूँ, देखो उधर में ना पूरा बोरी को छोटा वाला कांटा में कांटा कर रहे हैं, उसके बाद में ना अपना गाड़ी लोड होगा। सो गाइस अपना गाड़ी को हटा के ना साइड में कर दिया, बाकी ये चेक करो छोटी छोटी गाँव, क्या प्यारी प्यारी घर लग रही है ना, मस्त कच्ची कच्ची मकान गाँव की। बाकी ये चेक करो गाइस अपना खाना वाना बनना रेडी हो रहा है, चावल को बैठा है और सूखा सब्जी बना रहे हैं, अंडे भुर्जी का, समझ रहे हो ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, पूरा दिन भर घूम घूम के लोडिंग करना, जैसे कि 150-200 बोरी यहाँ से है, बाकी 150-200 कहीं ऐसे 3-4 जगह से घूम घूम के लोड करना, समझ रहे हो ना, तो दिन भर टाइम मिलेगा नहीं गिनती करना, लोडिंग करवाना, इधर जाना उधर जाना, बरसात का टाइम है, गाड़ी कहीं फंसे निकालना, तो इसलिए मैं इसको बोला कि फटाफट ना शॉर्टकट में जो जल्दी बन जाए उसको भाई बना लेते हैं। तो अपन टमाटर और हरी मिर्च प्याज वगैरह लेके आए, और यहाँ पे चावल बना ले रहे हैं, और अंडा भुर्जी मस्त टमाटर प्याज हरी मिर्च काट के थोड़ी सी हल्दी वगैरह मसाले ऐड करके बना के सूखा सूखा बस खा लेते हैं, समझ रहे हो ना। सो गाइस अभी ना एक पॉइंट पे लोड करके तुम्हारा भाई दूसरा पॉइंट पे लोडिंग के लिए आ चुका है, बीच रोड में गाड़ी लगाया भाई, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, एक तो गाँव वाली रोड सिंगल रोड है, गाड़ियों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ना एक चीज़ सही हुआ, इधर मेरा गाड़ी उतार रहा हूँ तो दब रहा है, एक सेकंड मैं चल के पीछे से चेक कराता हूँ कि भाई पीछे में गाड़ी मेरा कितना दबा हुआ था। सो गाइस यहाँ भी कंप्लीट माल लोड नहीं होगा, दो ही जगह से माल है, ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद ना गोडाउन लेके जाएंगे, एक सेकंड चेक करा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी को उतारा था, यहाँ पे देखो कितना स्पीड दबना स्टार्ट हुआ था, इतना ज़्यादा गड्ढा हो गया था, वो तो मैं तुरंत उतारा, ये रही रोड, और यहाँ से भी एक बित्ता उतारा था भाई, यहाँ से एक बित्ता, तब तक दबा तब तक ना मेरे को बोले भाई कि चढ़ा लो रोड में, तुरंत रोड में चढ़ाया नहीं तो फट जाता। एक सेकंड ऊपर चलते हैं, ऊपर चेक करते हैं कितना लोड हो गया, और भैया कितना बोरी लोड हो गया, कितना बोरी लोड हो गया भाई, अभी 300 भी लोड हुआ है ना, मतलब 350 हुआ होगा ना भैया। सो गाइस तुम्हारे भाई की गाड़ी में भी 350 बोरी लोड हुआ है, समझ रहे हो, अभी गोडाउन चलेंगे, सुबह में जहाँ पे थे ना, जहाँ पे गाड़ी लगाए थे, समझ रहे हो, वहाँ पे लोड करना, वहाँ पे काफ़ी सारा माल पड़ा हुआ है, लेकिन ना ऐसा था कि ये गांव का माल उठाना भी ज़रूरी था, गांव गांव में जो एक दो जगह चिल्लर माल था इसको भी उठाना ज़रूरी था, तो बरसात बरसात टाइम में पूरी गाँव की माल मन को ढूंढ ढूंढ के उतारते रहते, जितना मतलब कोई 200 बोरी, कोई 300 बोरी, कोई 500 बोरी, भाई जिसके पास जितना खेती रहता है ना, जिसके पास जितना कैपेसिटी रहता है मक्का उगाने का, वो उतना देता है। तो अभी वहाँ से कितना लिए थे भैया, वहाँ से कितना लिए थे, वहाँ से कितना बोरी हुआ था भैया, 260। सो वहाँ से 260 बोरी हुआ था, अभी यहाँ से गिनती चल रहा है, अभी पता नहीं है घर वालों के पास कितना माल है, तो जो भी होगा अभी काउंटिंग तो चल ही रहा है, उसको पूरा गिनती उनती करके लोड करते हैं, उसके बाद ना कंप्लीट बताते हैं। अपने को 31 टन चाहिए, तो एक बोरी ना 60 किलो का हो रहा है, ये जो अपन ना इसको पर्सनली कांटा किए हैं, सब लेबर भी या लोग सब मिल के साथ में, तो ये वाली बोरी जो है कन्फर्म 60 किलो की है, 60 किलो से एक भी कम नहीं है, पता नहीं, लेकिन वहाँ वाली जो बोरी रहती है उसमें थोड़ी बहुत कम रहती है, तो ऐसे तो 350 में हो जाती है, 330-335 बोरी में हो जाना चाहिए, बट ना थोड़ी थोड़ी कम रहती है ना, तो उसमें 380 बोरी करना पड़ता है, 385 बोरी करना पड़ता है, तब 31 टन होता है, समझ लो, आगे बढ़ाना है, अरे बहुत बड़ा बस है क्या। सो गाइस एक सेकंड रुको, गाड़ी आ गया, पहले मेरे को ना गाड़ी को निकलवाने दो यहाँ से, देखो स्कूल बस जा रहा है, जाम लग गया मेरी गाड़ी की वजह से, अभी ये साइड से निकलेगा, निकल रहा है, थोड़ा सा आगे करते हैं अपन, एक सेकंड, लेजेंड ड्राइवर लग रहा है गाइस, निकाल दिया, ये देखो साइड से स्कूल बस निकल रहा है, पहले थोड़ी सी गाड़ी को आगे करते हैं, समझ रहे हो ना, बाकी ब्लॉग में बने रहो, ब्लॉग को देखते रहो, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, तुम्हारे भाई का चैनल है, थोड़ी सी आगे करके ना पहले बस को निकला देते हैं, आराम से बस निकलेगा, हो जाएगा हेलो बोल। सो गाइस देखो स्कूल, सो गाइस तुम्हारे भाई का गाड़ी अभी यहाँ से ना लोड हो गया यार, आधा बोरी लोड नहीं हुआ, आधा माल लोड हुआ, आधा माल अपना ना कहाँ पे लोड होगा पता है, आधा माल गोडाउन लोड होगा, गोडाउन कहाँ है, गोडाउन कोंडा गांव है, तो चलते हैं दिखाते हैं। बाकी ये देखो अपना सामने पिकअप निकल गया, अपन दो गाड़ी साथ में, पिकअप में ना अपने भैया लोग बैठे हुए हैं, लेबर भैया लोग जो लोड करते हैं,
और कुछ भैया लोग अभी अपने ट्रक में भी बैठा लिया, पीछे ढाला में कुछ भैया लोग को बैठा लिया कि भाई माल वाल गिरेगा तो देखेंगे। और एक भैया गए थे अपने सामने बैठा लिया जो अपने को लेके आए थे रास्ता बताने के लिए, जो कि काफ़ी बढ़िया है। भैया लोग अच्छे से मतलब लोड वोड करके सब चीज़ बढ़िया से कर दे रहे हैं। सो ओडिया गाइस गोडाउन में चल के दिखाता हूँ कि गोडाउन कैसा है और वहाँ से माल कितना लोड होगा, बाकी कंप्लीट वहीं से लोड होगा, उसके बाद कांटा होगा। सो गाइस अभी ना हम लोग वहाँ से लेके गाड़ी अपन आ चुके हैं जहाँ पे अपने को लोडिंग वोडिंग करना था, बाकी इधर अपना खाना होना भी बन रहा है और यहाँ पे अपना पीछे में लोडिंग भी हो रहा है गोडाउन से। बाकी चेक करो सामने का, ये रहा व्यू सामने, कुछ काफ़ी तगड़ा दिख रहा है। ये भी गाँव ही है लेकिन कोंडागांव सिटी के बगल में ही जस्ट है, और मैं थोड़ा सा गेट खोल के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ना इधर थोड़ा सा मेरे को शर्म आ रहा है, यही घर से लोड हो रहा है, काफ़ी तगड़ा घर है देख रहा हूँ ना, एक नंबर बिल्डिंग है। और इधर साइड में पीछे साइड में गोडाउन है तो गोडाउन में से लोड हो रहा है, और थोड़ा सा इधर दिखाने में भी शर्म आ रहा है, थोड़ा फैमिली वैमिली वाले रहते हैं तो यहीं से लोड हो रहा है। बाकी काफ़ी अच्छा है, तगड़ा है, लोड हो जाएगा 9-10 बजे तक लोड हो जाएगा पूरा कम्प्लीटली। और इधर खाना होना भी बन रहा है तो खाना होना खा के और सीधा निकलेंगे, जगदलपुर पहुँचेंगे समझ लो, उसके बाद देखेंगे बिल बिल का क्या हिसाब है, अगर आज निकलना होगा आज निकलेंगे रात में ही, नहीं तो कल सुबह निकल जाएंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो ठीक है देखते हैं कब तक कंप्लीट लोड होता है, अगर जल्दी हो जाए 8-9 बजे तक तो फिर कांटा भी हो जाएगा, अगर ज़्यादा लेट होगा 10-11 बज जाएगा तो ऐसे मतलब 10:30 के बाद कांटा होने का भी चांस काफ़ी ज़्यादा कम रहता है, तो हो ही जाएगा, लेबर लोग बोल रहे हैं कर देंगे, ऐसा कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। तो ठीक है ब्लॉग में बने रहो, देखते रहो। सो गाइस अभी तुम्हारा भाई माल वाल लोड करके निकल चुका है समझ रहो जगदलपुर के लिए, अपनी गाड़ी पूरी ऑल कंप्लीट हो चुकी है, हम लोग जा रहे हैं जगदलपुर, अभी जगदलपुर पहुंचने ही वाले हैं, बस्तर पार करें। ये देखो जो पहचानते हैं उनको पता है भाई अपने लोकल लोग, ये बस्तर सिटी है। तो चलते हैं, अभी अपने को बिल नहीं मिला, जो भी है कांटा वांटा करा के जा रहे हैं, बिल वहां पे मिलेगा तो माल कहां का होने वाला है ये नहीं पता है कि विशाखापट्टनम का होने वाला है, आंध्रा का होने वाला है, फिर कहाँ का होने वाला है इतना आइडिया नहीं है। चलते हैं, फिर पर्ची वर्ची मिलेगा तो भाई पता चलेगा माल कहाँ का होने वाला है। भाई बरसात आ गया, थोड़ा कहीं दूर जाने का मिल जाता ना तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता, लेकिन देखते हैं आप जहाँ का मिल रहा है, गाड़ी चल जा रहा है भाई वही बहुत बड़ी बात है, माल छोड़ो मिलना बस चल जाए भाई जहाँ का मिले। तो भाई अभी तुम्हारा भाई गाड़ी लेके जगदलपुर पहुंच चुका है, अभी जगदलपुर देखो फोन बन मिला है, तो गाइस देख रहे हो इन लोग रायपुर निकल रहे हैं, अपना अजीत है और ना सुजल है बड़े जी। हेलो भाई लोग, क्यों कौन सा गाड़ी है, गाड़ी लेके जा रहे हो? सो गाइस तुम्हारे भाई को ना जगदलपुर में उधर पूरा घूम के आ गया गाड़ी लगाने का। सो गाइस सबसे पहले मैं बताता हूँ बाद में इधर ताला खोलने का, देखो भाई बरसात में काफी ज्यादा दिक्कत हो गया, कितना महीना बाद तेरा गाड़ी कल बंगालिया गिरा है। सो गाइस अभी तुम्हारे भाई को ना गाड़ी लगाने का जगह नहीं मिल रहा था, पूरा घूम लिया समझ रहे हो ना, कहीं भी गाड़ी लगाने का जगह नहीं मिला। सो ना जस्ट यहाँ बीआर कोली स्टोर के सामने आया तो इन लोग मिले, सुजल और बड़े जी और ना यहाँ पे अजीत मिले, इन लोग फिर बोल रहे हैं कि हम लोग रायपुर जा रहे हैं, तो मैं इन लोग से पूछा कि भाई गाड़ी कहाँ लगाए हो, तो इन लोग फिर मेरे को बोले कि इतनी लगाए हैं, तो मैं बोला कि जगह है, तो इन लोग बोले हम लोग निकल रहे हैं तो यहीं पर लगा लो, तो अभी ये गाड़ी को हटा रहे हैं तो यहाँ पर तुम्हारा भाई अपना गाड़ी को बढ़िया से सेट करके लगा देगा एकदम बिना टेंशन का समझ लो। बाकी तुम ब्लॉग में बन रहे हो, ब्लॉग को देखते रहो, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, तुम्हारे भाई का चैनल है, थोड़ा सा सपोर्ट।